तो भाई स्पॉन्टेनस से हम जा रहे थे ओल्ड गोवा। बीच में मुझे एक चीज़ दिखी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है गोवा का ट्रेडिशन। जैसे कि दशहरा पे ऑल ओवर इंडिया रावण जलाया जाता है, तो गोवा में दिवाली के एक दिन पहले रात में जलाया जाता है नरकासुर, जो कि पूरा एक नरकासुर बनाते हैं। हर एक घर के सामने ये नरकासुर बनाया जाता है और वो दिवाली पर जलाया जाता है। ये गोवा का ट्रेडिशन है। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे रहूँगा दिवाली के टाइम पे, बट प्राप्ति विल बी सेंडिंग अस द वीडियो जो हम डालेंगे, ये नरकासुर कैसे जलाते हैं एंड लाइक क्या ट्रेडिशन होता है एग्जैक्टली। सो गाइस देखिए, ये ऐसे बनाया जाता है हर एक घर के सामने या फिर कॉलोनी में भी ऐसे बनाए जाते हैं। And now we'll go to Old Goa. Let's go. So guys, अभी हम ओल्ड गोवा में हैं एंड हम आए थे भोसरी का ऑन जीजस चर्च, जो कि है ओल्ड गोवा में। यहाँ पे सेंट फ्रांसिस बॉडी रखी गई है, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम 15th century, एंड अभी फ़िलहाल बंद है। आप देख सकते हो मेरे पीछे सारे लोग यहाँ से ही फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। एंड इस तरफ है गोवा का ओल्ड गोवा म्यूज़ियम, वो भी फ़िलहाल बंद है, बट आप बाहर के देख सकते हो क्वाइट बिग। जब भी आप आओगे तो यहाँ पे आ सकते हो। एंड ये प्लेसेस अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, ये काफ़ी फेमस प्लेसेस है, सो आप ईजिली आके गौर कर सकते हो यहाँ पर। देख सकते हो कितना पुराना है एंड इट इज़ ऑल्सो इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो गाइस अभी हम आए हैं ओल्ड गोवा के माउंट मेरी चर्च, एंड ये बहुत सारी मूवीज में ये चर्च शूट किया गया है। एंड इट इज़ ओपन, उसका गेट हमेशा बंद होता है, पर साइड से एक रोड है जहाँ से आप आ सकते हो। एंड नाउ वी आर गोइंग अप टूवर्ड्स द चर्च। ग्रास काफ़ी बढ़िया, शायद यहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेंस वर्क नहीं किया जाता है। बट एक चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस कर रहा हूँ गोवा में, कि सब चर्च काफ़ी ज़्यादा बड़े लाइक। एंड और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जैसे कि महाराष्ट्र का आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो आपको मिलता है लिंबू पानी, थोड़ा कांदा भजी, वड़ा पाव, यहाँ पर आपको मिलेगा यो विथ सम चिकन एंड रॉस ऑमलेट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस अक्षय देसाई। एंड गाइज जैसे कि आप मेरा गोवा का पूरा सीरीज़ देख रहे हो, सो आज मैं आया हूँ कुछ शॉपिंग करने, कुछ घर की शॉपिंग, कुछ खुद के लिए शॉपिंग। एंड ऑलरेडी मैंने ये अरम्बोल बीच से ख़रीदा है एंड मैं पिछले 4-5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुणे में तो यूज़ होगा नहीं, पर गोवा में यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरे मम्मी के लिए, मतलब मम्मी ने कुछ लाने के लिए बोला था कोकम, क्योंकि गोवा में काफ़ी अच्छे मिलते, तो पहले हम वो खरीदेंगे, फिर कपड़े देखेंगे, सम गोवन टाइप क्लोथ्स, देन कुछ एंटीक पीसेस, देन विल गो एंड सी मापसा मार्केट। राइट नाउ वी आर एट मापसा मार्केट, बट आज भीड़ बहुत कम है क्योंकि कोरोना की वजह से सारे वेंडर्स नहीं आए हैं यहाँ पे और मार्केट भी खाली है। नहीं तो फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट लगता है शाम को 3 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक, एंड टोटली पैक होता है, पर आज यहाँ पे बहुत भीड़ कम है, तो विल एक्सप्लोर मापसा मार्केट एज वेल। ₹200 की पेटी है। कितने है ये? 1 किलो। 1 किलो कमी भेटले? कमी ना भेटणार, 100 रुपये। कितने है ये? 1/2 किलो। कितने दिवस टिकते? किती वर्ष? 1.5 वर्ष पण राहतात, 2 वर्ष पण वापरण्यावर आहे, पाणी लागलं नाही पाहिजे। पकडायचं
चांगलं आमचं चांगलं चार चार वेळ लावतो त्याला. तो गाइस वी आर एट मापसा फिश मार्केट. ये मार्केट है फिश मापसा. सुरमई है ना. लॉबस्टर नहीं है यार. अभी हम जा रहे हैं मापसा के वेजिटेबल मार्केट में. फिश मार्केट आपने देख लिया, उसके बाद वेजिटेबल मार्केट. सो टू गेट फ्रेश वेजी यू कैन कम टू मापसा वेजिटेबल मार्केट. इट्स क्वाइट बिग.